सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज लकुरी सिद्धाम में नवार्ण कोटि चंडी महायज्ञ अंतर्गत 1 करोड़ आहुति में से 84 लाख आहुति संपन्न हुई। अब धीरे धीरे हम पूर्णाहुति के नजदीक जा रहे हैं। आज बुधवार से अब गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन में 16 लाख आहुति पूर्ण करना है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में यज्ञ का बहुत महत्व समझाया। यज्ञ के कारण प्रकृति में ठंडी गर्मी बारिश नियमन से चलते हैं। यज्ञ के कारण वायुमंडल में रोग कर कीटाणुओं की संख्या कम होती है या नष्ट होते हैं, और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाली परिस्थितियां वायुमंडल में बढ़ती है। व्यक्ति उस स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग के बैक्टीरिया या कीटाणु बढ़ रहे हैं, किंतु यज्ञ का वायुमंडल स्वयं ही यज्ञ की ऊर्जा से रोगों से मुक्ति दिलाने में सहयोगी बनता है। देव शक्तियाँ प्रबल होती है, परिणामतः मनुष्यों स्वस्थ सुखी दीर्घायु एवं अपने और अपने वंशजों के लिए कल्याणकारी प्रारब्ध निर्माण करते हैं। शत्रुओं से रक्षा होती है एवं श्रेष्ठताओं की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम यज्ञ करते रहे। यज्ञ के 3 पहलू, अग्नि में आहुति देना जिसके द्वारा देवता संतुष्ट हो, दूसरा दुखी पीड़ित की जरूरतमंद की सेवा करना, और तीसरा अपने मन से दुर्गुणों को नकारात्मकताओं को नष्ट करना और सद्गुणों और सकारात्मकताओं को बढ़ाना। इसी क्रम में एक कहानी से कुछ उपदेश समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। एक कहावत है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछी पछतावो करवाथी शुं थाय, जारे खेतर में दाणा पक्षीओ खाई जता रहा। तो आनो अर्थ एवो छे के समय वीती जाए अने पछी व्यक्ति विचारे कि मारू आयुष्य तो वीती गयुं ने धर्म कर्म कर्यो नहीं, तो पछी पछताय शुं करवानुं। जारे जब भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, कुछ अच्छे कर्मों से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, नहीं तो देखो ये गधे कुत्ते उनको न तो धर्म का है फिर न परमार्थ, बस खाना, बच्चे पैदा करना, खेलना कूदना, झगड़ना और मर जाना। किंतु हमें अच्छे कर्मों से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, और काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, किंतु हम धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिला है, किंतु वह शरीर माया के प्रपंच में खत्म हो जाए, बीत जाए, और फिर हम पछताए कि यदि मुझे मौका मिला होता तो मैं धर्म करता। तो ऐसी बात हुई कि फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार कोई गांव में एक महात्मा जी आए, गांव के बाहर वो महात्मा जी रहते थे। गांव एक पर्वत की तरहटी में बसा हुआ था, पर्वत की तरहटी में गांव है। महात्मा जी उस पर्वत में गांव से थोड़ी ऊंचाई पर रहते थे। भिक्षा के लिए गांव में जाते और घर घर जाकर आवाज लगाते, धर्म लाभ भिक्षा न देही, और कोई गेहूं देता, कोई चावल देता, तो कभी कभार पका हुआ खाना मिलता। ऐसे करते उनका शरीर का निर्वाह हो जाता, तो बाकी समय में अपना भगवान का भजन करते। कोई आता तो उसे थोड़ी सत्संग चर्चा करते। महाराज आए थे तो नवंबर दिसंबर में ठंड बढ़ती चली जा रही थी, तो उन्होंने
तत्काल तो कुछ लकड़ियां काट कर एक झोपड़ी बना दी, किंतु इसके बाद वक्त बीता चला गया। जैसे मार्च अप्रैल आया तो गांव वालों ने भी कहा कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो महाराज यदि पक्की छत हो तो अच्छा। तो महाराज ने तय किया कि पक्की छत वाला कमरा बना दे तो बारिशों में भी दिक्कत ना हो। शुरुआत तो की किंतु सहयोग मिलता नहीं था, घर घर जाते थे तो गांव के सुखी संपन्न लोगों का था, किंतु फिर भी जिस घर जाते तो कोई थोड़ा देता फिर बहाना करता कि महाराज जी ऐसा है वैसा है, नहीं तो हम मदद करते। फिर दूसरे घर जाते, दूसरे घर वाले कहते महाराज जी हम जरूर मदद करते, किंतु हमारा वैसा हुआ ये हुआ। ऐसे महाराज गांव में घूमते तो कोई थोड़ा 100-200 रुपया देता, किंतु इसमें से पक्का मक्का कमरा बनाना तो मुश्किल था। फिर भी महाराज घर घर जाते और लोगों से बात करते, समझाने का प्रयत्न करते कि भाई मैं आपके गांव के निकट की पहाड़ी पर ही रह रहा हूँ और पक्का कमरा बनाने का आयोजन किया है जिससे बारिशों में दिक्कत ना हो। लोगों ने कहा कि गांव में वो बुढ़िया है उसके घर महाराज जी आप मत जाना, वो कभी किसी को 1 रुपया नहीं देती है, न किसी को खाना देती है। महाराज जी फिर भी संत महात्मा थे तो वहां जाते आवाज लगाते मैया भिक्षा न देही, तो बूढ़ी वृद्ध दादी माँ को बुढ़िया बाहर आते जय श्री कृष्ण महाराज। महाराज कहते जय श्री कृष्ण, मैं यहाँ गांव के बाहर टीवी पर एक कमरा बना रहा हूँ, बारिशों में भी सुखपूर्वक रहकर भगवान का भजन हो सके, तो माता जी कुछ मदद हो सकती है। तो वो थोड़ी देर बातें करती फिर कह रही महाराज अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे भी 4-6 महीने तक कभी बुढ़िया ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। गांव वाले कहते थे फोकट में वहां जाते उसके घर कभी मत जाओ, उसने आज तक हमने किसी को भी कुछ देते हुए नहीं देखा है। किंतु महाराज का काम था कि वो देव उसका भी भला ना दे उसका भी भला, तो जाना जरूर आवाज लगाना है क्योंकि मुझे हो सकता है आज नहीं दे सकते हैं कल उनका मन खुश हो तो दे दे। ऐसे करते काफी दिन बीत गए, अब लगने लगा कि अब ज्यादा देर होगी तो बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर कमरा भी नहीं बन पाएगा, किंतु गांव में से कितना शरीर मिल नहीं रहा था। और हर रोज के नियम के अनुसार महाराज जी गांव में घर घर गए और उस बुढ़िया के यहाँ भी गए। दोपहर का वक्त है, बुढ़िया ने आवाज लगाई महाराज जी इधर आइए इधर आइए। तो पहले बरामदा था, बरामदा के प्रसाद, तो उसने एक खुशी रखी महाराज बैठे पानी लाई, फिर वो दादी माँ ने उनको पानी दिया, फिर कहा महाराज जी अब किसी को कहना मत, मैंने मेरे जीवन में अभी तक किसी को दान नहीं दिया है। और अंदर से बक्सा पेटी, तो एक बक्सा ले आई, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है जो मैंने थोड़ा थोड़ा बचा कर रखा था, वो अब पता नहीं कब तक मेरा जीवन रहेगा, तो आप ये ले जाइए, आपका कमरा भी बनेगा और मेरा भलाई का काम हो जाएगा। तो उसने वो बक्सा दिया तो महाराज को कहा था कि आप किसी से अभी कहना हो, तो महाराज दे गए। और इसके बाद अंदर से इतना रुपया निकला कि उनका कमरा भी बन गया और ऊपर पक्की छत भी डल गई और कमरे के आसपास थोड़ा लंबा बड़ा बरामदा भी बना दिया, जैसे हमने ये बड़ा हॉल बनाया है तो महाराज ने एक छोटा सा हॉल जैसा बरामदा बना दिया, परसाड़ बना दी मोटी 50-100 व्यक्ति जैसे भी। थोड़े दिन बीते और तेज बारिश शुरू हुई, गांव पर्वत की तलहटी में था, पर्वत की तलहटी महत्व यानी जोड़ी नदी बहती थी, और पहले ही बारिश इतनी ज्यादा हुई कि बाढ़ आ गई पूरा भी गई, और बाढ़ इतनी ज्यादा आई कि गांव में घरों में पानी घुस गया। अब पिछले काफी सालों से ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो लोगों को ऐसा था ही नहीं कभी ऐसी बाढ़ भी आ सकती है यहाँ पर। आखिर स्थिति ऐसी आई कि सबको अपना सामान लेकर निकलना पड़ा, किंतु तत्काल सब सामान तो कहाँ ले जाए। तो फिर ऐसा आयोजन किया कि जो अपना थोड़ा रुपया था या तो थोड़े गहने थे वो ले लेकर सभी तुरंत भागे वहां से, किंतु दूसरी कोई जगह तो जा नहीं सकते थे क्योंकि नदी ऐसी थी कि गांव की गोलाई में नदी का पानी बह रहा था। तो फिर महाराज ने उन्होंने देखा कि वो टेकरी पर महाराज जी रह रहे हैं, तो महाराज के यहाँ से पहुंच गए। तो महाराज के यहाँ जो बरामदा था, बरामदे में गांव वाले सब ठहर गए,
और महाराज जी ने तुरंत खिचड़ी पकाई, गांव वालों को सभी को तुरंत पत्थर दे दिया और सबको खिचड़ी खिलाई। सभी लोग रो रहे थे, मेरा तो पूरी जिंदगी की कमाई थी, मैंने मकान बनाया था, वो ये था फलाना, और रोने लगे लोग। महाराज ने कहा सबका सब बह गया, एक ही का रह गया, सबका सब बह गया किंतु एक का सब रह गया, एक बुढ़िया का सब रह गया। बुढ़िया ने अपनी जिंदगी में जो दिया था तो यहाँ भी रह गया और आने वाले वक्त में भी वो उसे वापस मिलेगा। तो जो बुढ़िया, महाराज जी ने क्या कहा, सबका तो सब गया और बुढ़िया का सब रह गया, क्योंकि बुढ़िया ने जो दिया था तो वो तो उसने दान किया, तो दान तो अनेक गुणा होकर वापस मिलता है फिर। तो बाकी लोगों ने तो जो था वो तो नहीं दे पाए थे, और फिर वो बाकी लोगों का था, उसका क्या हुआ, बाढ़ आए तो सब दे गए। इसलिए फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। मनुष्य का जीवन तो ऐसे भी चला जाता है, और व्यवहार में देखो किसी का कुछ झगड़ा खटपट घर में परिवार में, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता है, पर वक्त आ जाता है मृत्यु का और जीवन चला जाता है। जो अच्छा काम किया होता है वही साथ काम आता है, इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि त्यक्ते न बुद्धि था, हम सेवा करें, परमार्थ करें, जो भी हो सके कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहे, कुछ न कुछ परमार्थ कार्य करते रहे, कुछ न कुछ दान करते रहे, धर्म काम करते रहे। और जब हमारी जीवात्मा धर्म से, सेवा से, परमार्थ से, दान से इत्यादि से, और साथ में पवित्रता तप जप इत्यादि से जब पवित्र होती चली जाएगी, तो उसके वर्तमान मनुष्य जन्म में भी उसकी झोली में इतना सारा भर जाएगा कि उसके अगले जन्म में भी कल्याण हो जाएगा। सब प्रयत्न करना कि हम यज्ञ भी करें और साथ में अपने जीवन को भी यज्ञ बनाएं। आप देखो संसार में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके पास वो कहते हैं कि समय ही नहीं है, अब वो क्या करते हैं, आप देखो होंगे घर में बैठ कर क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना जीवन का समय भगवान के काम में लग जाए। आज का इस यज्ञ को सफल बनाने हेतु जिन यजमानों ने दक्षिणा देकर आज हमें सबको यज्ञ कर्म करने का मौका दिया, भगवान से प्रार्थना कि वह सब यजमानों का और उनके परिवारजनों का कल्याण हो। जिन आत्मीयजनों ने यहाँ उपस्थित रहकर यज्ञ कर्म संपन्न करने आहुति देकर जो समय दान और सेवा की, भगवान से प्रार्थना कि उन सभी का और उनके परिवार का कल्याण हो। और जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ कर्म को सफल करने में योगदान दिया, भगवान से प्रार्थना कि उनका और उनके परिवार का भी कल्याण हो और इस समस्त जीव सृष्टि का कल्याण हो। सभी धर्म मार्ग पर चले, कोई किसी का बुरा न करे, किसी की बुराई न करे, और स्वयं का कल्याण करते हुए साथ में सर्व कल्याण करे। अंत में आपको, आपके परिवार और सबके कल्याण हेतु एवं स्वकल्याण करते सर्व कल्याण करने हेतु भगवान अनुकूल परिस्थिति दे, ऐसी प्रार्थना। ओ ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान।